रिजल्ट में जाके आपको रिजल्ट आपको आउटपुट पैरामीटर लेना पड़ेगा, अप्लाई एंड इसको यस कर देंगे। यस करके ये मॉडिफाई करेगा अपने आप को, देन आप मेन रूटीन में जाएंगे, देखिए राइट साइड में आ गया है। तो अब यहाँ पर मेरे को 5 वैल्यूज को ऐड करके रिजल्ट मिलेगा। तो आप यहाँ पे कोई डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कैलकुलेशन फर्स्ट के नाम का मैं चाहता हूँ कि एक ब्लॉक बने, तो मैंने फर्स्ट ले लिया और इसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा न्यू कैल, देन ये बाय डिफॉल्ट इसमें आ जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें टैग बनाने होंगे जिससे कि डेटा हमारे पास आ जाए। तो टैग कैसे क्रिएट करेंगे, यानी 5 टैग बनाने पड़ेंगे रियल। 5 टैग मतलब वैल्यू 1, वैल्यू 2 जो भी आपको लेना है। तो रियल 1 में एक डेटा मैंने यहाँ पे सिंपल रियल 1 कर दिया और यहाँ पे सारे डेटा मैंने इंटरनल बना लिए। मैंने ये मैंने यहाँ से रियल 2 ले लिया और ये डेटा टाइप मैंने यहाँ से रियल ले लिया। इसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट गया, यहाँ से रियल 3 ले लिया, उसके बाद ये भी मेरा रियल हो गया। देन उसके बाद मैं यहाँ से रियल 4 ले ले रहा हूँ, इसके बाद ये भी मेरा रियल हो गया। उसके बाद यहाँ से एक और डेटा रियल 5, देन ये भी डेटा टाइप आप रियल कर लीजिए एंड एक और रियल ले लीजिए, क्योंकि सारी वैल्यूज रियल है मेरे, तो मैंने रियल नाम के टैग बना दिए सारे रियल डेटा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, वैल्यूज में जाके जो टैग बनाए हैं रियल वो सारे ले लीजिए, क्योंकि आप ऑनलाइन वैल्यू एडिट कर सकते हैं। रियल सेकेंड आप ले लीजिए, इसके बाद यहाँ से आप वैल्यू 3rd के लिए आप एक रियल टैग, क्योंकि इसके लिए रियल टैग चाहिए आपको, क्योंकि ये पॉइंट्स में वैल्यू लेगा, रियल 4 हो गया। और ये यहाँ से रियल 5 आप ले लीजिए और रिजल्ट हमारा रियल 6 पे आप ले सकते हैं। इतना करने के बाद आप इसको डिफाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको डिफाइन भी इसको करना पड़ेगा। एक बार यहाँ पे लॉजिक में देख लीजिए, लॉजिक में हमारा सारा सही है। उसके बाद आप यहाँ से मैन उसमें चले जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो ये कैलकुलेशन डिफाइन है या नहीं है देख लीजिए। यहाँ पे अभी भी ये क्रॉस आ रहा है, मीन्स यहाँ पे कोई ना कोई एरर अभी अवेलेबल है। तो एरर देखने के लिए आप क्या करेंगे, एक बार चाहे तो एक इनपुट आप यहाँ से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक इनपुट आप चाहते हैं कि जैसे इनपुट प्रेस हो तो मेरी कैलकुलेशन यहाँ पे आ जाए, देखिए यहाँ से इनपुट ले लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए, देन उसके बाद आप कंपाइल करके चेक कर लेंगे कोई एरर है या नहीं है। तो यहाँ पर डबल क्लिक करिए और यहाँ पर आप यहाँ से इनपुट ले लीजिए, तो अभी भी देखिए एरर दिखा रहा है। तो एरर कहाँ पे है, आपको कंपाइल करना होगा। तो एक बार यहाँ पर क्लिक कर लीजिए तो यहाँ पे दिखा रहा है कैलकुलेशन इनवैलिड ऑपरेटर टैग। तो ऑपरेटर टैग क्या है कि यहाँ पे कैल स्पेस मैंने दिया हुआ है, तो स्पेस कभी नहीं आएगा, इस तरीके से ले लीजिए। देन यहाँ पे फिर से डिफाइन कर लीजिए और क्रिएट करेंगे, देखिए एरर चला गया। इवन आप ये भी नहीं रहेगा, बटन भी नहीं रहेगा तो भी एरर नहीं आएगी। तो अब हमारा इंस्ट्रक्शन रेडी है, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद आप ऑनलाइन में वैल्यू फीड करेंगे। देन जैसे ही इनपुट प्रेस करेंगे 5 वैल्यूज ऐड होके आपके पास आ जाएंगे, यानी सारी वैल्यूज आपके पास ऐड होके रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, राउंड ऑफ, इंटीजर, डबल इंटीजर, रियल, पॉइंट वैल्यू, कोई भी वैल्यू आप एडिशन करा सकते हैं। इस तरीके से मैंने एक बाय डिफॉल्ट एक एडिशन यानी 5 वैल्यूज को ऐड करने का एक इंस्ट्रक्शन लिया। 10.1 मैंने यहाँ से वैल्यू ली, 10.1 एक और वैल्यू ली, यानी सारी वैल्यू मैंने 10.1 ले ली, जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो 10 मतलब रिजल्ट क्या आना चाहिए, 10.5 यानी 50.5 आना चाहिए। जैसे ही मैं ये इनपुट प्रेस करूंगा और यहाँ से फोर्स सारे ऑन कर दीजिए, इनेबल कर दीजिए, तो आप देखेंगे टोटल रिजल्ट 50.5 आ गया। राइट, चलिए फिर से चेक करते हैं। 0.2 मैंने यहाँ ले लिया, 0.5 यहाँ ले लिया, 0.2 ले लिया, देन आप कोई भी वैल्यू लेंगे 0.6 ले लिया, देन आप जैसे इनपुट यहाँ से प्रेस करेंगे देखिए एडिशन होके यहाँ पे 2 आ गया। देन यहाँ से 0.1 ले लीजिए सभी में वैल्यू, 0.1 आपके पास सारी वैल्यू 0.1 की 0.1 सारे ऐड करके आप देखिए सारा रिजल्ट आपके पास प्रॉपर तरीके से आएगा। ये देखिए 0.5 आ गया। इस तरीके से मैंने एक ऐड ऑन इंस्ट्रक्शन बनाया जो कि 5 वैल्यूज को ऐड करने का। तो अपने हिसाब से हम इस तरीके के इंस्ट्रक्शन यूज कर लेते हैं और इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो होप आपको मेरा ये वीडियो भी पसंद आया होगा और आपको डेफिनेटली ऐड ऑन इंस्ट्रक्शन क्रिएट करना आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से हम ऐड ऑन इंस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं और उसका इम्प्लीमेंट करते हैं, यूज करते हैं प्रोग्राम में।
काफी ज्यादा यूज होता है क्योंकि ये यूजर डिफाइंड इंस्ट्रक्शन है और हम इसका यूज काफी ज्यादा करते हैं। तो होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आगे भी वीडियोस के लिए लगातार चैनल को फॉलो करते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक